Hello everyone. Today I will discuss power transformer, magnetic balance and magnetic current test. ये जो magnetic balance and magnetic current test जो करना करता हूँ वो basically polyphase transformer मतलब two phase और three phase transformer basically करा जाता है, single phase में नहीं करा जाता है। तो magnetic balance test क्या है, इसमें हम लोग क्या देखता हूँ इसमें हम लोग देखता हूँ जो ट्रांसफॉर्मर जो कोर है उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेटर होता है वो इक्वली तीनों फेज में डिस्ट्रीब्यूट होता है कि नहीं होता है, मतलब इम्बैलेंस मैग्नेटिक फ्लक्स बैलेंस है कि नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है ट्रांसफॉर्मर में वो इक्वली तीन फेज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं होने में पावर ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी कम हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन ठीक से नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग को बिफोर चार्जिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर वी विल हैव टू रन फॉर टू गो फॉर मैग्नेटिक बैलेंस मैग्नेटिक करंट टेस्ट। ये मैग्नेटिक बैलेंस मैग्नेटिक करंट टेस्ट में बेसिकली देखा जाता है तीनों चीज, ये ट्रांसफॉर्मर मैग्नेटिकली फ्लक्स इक्वल ट्रांसफॉर्मर तीनों फेज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोर में कोई फॉल्ट है, ट्रांसफॉर्मर कोर में कोई फॉल्ट है कि नहीं है एंड इंटर टर्म्स में कोई फॉल्ट है कि नहीं है, ये तीनों चीज देखा जाता है। एक ट्रांसफॉर्मर का फ्लक्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेकंड ट्रांसफॉर्मर कोर में कोई फॉल्ट है कि नहीं है एंड थर्ड ट्रांसफॉर्मर इंटर टर्न्स में कोई फॉल्ट है कि नहीं है। तो हम लोग कैसे करता हूँ, सपोज एक ट्रांसफॉर्मर हम लोग सिलेक्ट कर रहा हूँ 33/11 के भी ट्रांसफॉर्मर एंड उसका वेक्टर है DYN11, इसमें प्राइमरी डेल्टा सेकेंडरी स्टार। तो हम लोग कैसे करता हूँ, मीन प्राइमरी डेल्टा एंड सेकेंडरी स्टार। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, सपोज प्राइमरी में तीन फेज है आर वाई बी एंड सेकेंडरी में सेकेंडरी एलटी साइड में भी तीन फेज है स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल बी एंड दैट इज न्यूट्रल, मतलब स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल बी एंड न्यूट्रल। तो हम लोग कैसे करते हैं, फर्स्ट हम लोग को सेकेंडरी को पूरा ओपन करके रखना है, कोई शॉर्टफट करके नहीं रखना है, ये जो न्यूट्रल ग्राउंडेड है तो न्यूट्रल ग्राउंड का लिंक खोल देना है, न्यूट्रल को भी ग्राउंडेड नहीं रखना है, ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी को ओपन रखना है एंड प्राइमरी में आर वाई बी इसमें हमको 415 वोल्ट देना है। फर्स्ट हम लोग क्या करूंगा, आर वाई ये दोनों फेस में आर एंड वाई ये दोनों का बीच में 415 वोल्ट हमें दूंगा। पहले मैं करूंगा आर एंड वाई का बीच में 415 वोल्ट दूंगा, देन आई विल हैव टू मेजर वाई बी का बीच में कितना वोल्टेज आ रहा है मेजर करना है एंड बी एंड आर का बीच में कितना वोल्टेज आ रहा है हमको मेजर करना है। ये दोनों का जो वोल्टेज आएगा दैट्स इक्वल टू 415 वोल्ट, इसका जो आएगा इज इक्वल टू इसका प्लस इसका। तो जनरली क्या होता है, आर वाई में 415 वोल्ट देने के बाद YB में 415 का अप्रोक्स 70-75% आया था, 310 वोल्ट के आसपास आएगा YB का अंदर एंड बैलेंस 105 वोल्ट आएगा BR के ऊपर। फर्स्ट हमको आई एम रिपीटिंग अगेन, फर्स्ट RY ये दोनों फेस के अंदर हमको 415 वोल्ट देना है एंड आई विल हैव टू मेजर द वोल्टेज बिटवीन YB एंड BR। RY में जितना वोल्टेज दूंगा YB एंड VR का जो वोल्टेज है उसका सम आएगा RY वोल्टेज का इक्वल, 415 वोल्ट में YB एंड VR को प्लस करके 415 आएगा। इसके अंदर YB में जो नियरेस्ट फेज है उसमें 70-80% आ जाता है एंड बैलेंस आता है VR में। नेक्स्ट RY देने के बाद देन हम लोग दूंगा अभी Y and V का अंदर दूंगा 415 वोल्ट, नेक्स्ट दूंगा 415 वोल्ट Y and V का अंदर, Y and V में दूंगा
वाई एंड बी फेज के अंदर दूंगा 415 वोल्ट एंड वी विल मेजर द वोल्टेज बिटवीन आर वाई एंड बी आर बी आर ये दोनों का वोल्टेज मेजर करूंगा बी एंड वाई में दूंगा 415 वोल्ट एंड वी विल मेजर द वोल्टेज बिटवीन वाई आर एंड बी आर एंड बोथ साइड में हम लोग देखूंगा तो इसका आएगा इसका हाफ मतलब 207.5 इसका भी आएगा 207.5 50% इधर 50% होगा मतलब बी आर एंड आर वाई का सबमिशन हो जाएगा वाई बी इट्स मीन वाई बी का वोल्टेज इज इक्वल टू आर वाई प्लस बी आर ये होना चाहिए थर्ड में हम लोग क्या दूंगा हम लोग वोल्टेज दूंगा बी एंड आर का बीच में दूंगा 415 वोल्ट एंड वी मेजर द वोल्टेज बिटवीन बिटवीन वाई बी के अंदर एंड आर वाई के अंदर एंड आर वाई के अंदर वोल्टेज कितना मेजर करूंगा एंड बी वाई के अंदर कितना है मेजर करूंगा वोल्टेज फिट करूंगा बी आर में तो बी आर में दूंगा 415 वोल्ट बी आर में दूंगा 415 वोल्ट तो दिखा देगा आपको वाई बी में आएगा 310 वोल्ट के आसपास प्लस आर वाई में आएगा 105 के आसपास दोनों मिला के बी आर का वोल्टेज इक्वल आएगा मतलब बी आर वोल्टेज इज इक्वल टू वाई बी प्लस आर वाई इफ दिस थ्री कंडीशन इज मैचिंग इफ दिस थ्री कंडीशन विल मैच देन अ ट्रांसफॉर्मर इज मैग्नेटिकली बैलेंस दैट विल बी चेक इन ईस्ट साइड Similarly, in LT side, what will we do? R का terminal, Y का terminal, B का terminal, N का terminal. First, हम लोग क्या करूंगा R and N के अंदर 210 वोल्ट दूंगा R and N का बीच में 210 वोल्ट दूंगा And we have to measure voltage between YN and VN. YN एंड BN का वोल्टेज मेजर करूंगा मैं थोड़ा सा दूसरा टाइप को लिख रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग का इजी होगा RN में मैं दूंगा 210 वोल्ट एंड वी हैव टू मेजर द वोल्टेज बिटवीन YN एंड BN RN का जो वोल्टेज आएगा इक्वल टू होगा YN प्लस BN मतलब RN में 210 वोल्ट दिया तो YN प्लस BN का वोल्टेज मिला के 210 वोल्ट आएगा सिमिलरली अप्रोक्स 70% आएगा वाई एन में और बी एन में बैलेंस 70 मतलब 150 वोल्टेज के आसपास आ जाएगा वाई एन में एंड बी एन में आएगा 60 वोल्ट नाउ व्हाट विल डू नाउ विल डू विल गिव वोल्टेज 210 वोल्ट दूंगा बिटवीन वाई एंड एन में मैं 200 वोल्ट दूंगा एंड विल मेजर वोल्टेज बिटवीन आर एन एंड बी एन हम लोग वाई एन में 210 वोल्ट दूंगा एंड मेजर द वोल्टेज बिटवीन आर एन एंड बी एन तो वाई एन में जो वोल्टेज 210 दिया ये दोनों का सम होना चाहिए एंड इट विल ये मिडिल का फेज है इसलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा मतलब 210 का हाफ 105 आएगा इसमें प्लस 105 आएगा इसमें सिमिलरली विल फिट 210 वोल्ट बिटवीन बी एंड एन बी एन एन का अंदर 210 वोल्ट दूंगा बी एन एन के अंदर 210 वोल्ट दूंगा एंड विल मेजर द वोल्टेज बिटवीन आर एन एंड वाई एन तो इसमें दिखाई देगा ये दोनों का समीशन ऑफ वोल्टेज बी एन का इक्वल होगा एंड इसमें दिखाई देगा आर एन में आएगा 70% एंड बी एन में आएगा वाई एन में आएगा 70% एंड आर एन का बैलेंस दोनों मिला के 210 वोल्ट होगा If these three condition is match in the LT side and the ST side, then the transformer is magnetically balanced. Now I am coming to transformer magnetic current test. इसमें हम लोग क्या करता हूँ? Similar रहूँगा. Earthen लिंक ओपन करके रहूंगा ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी ओपन रहेगा एंड टैप नॉर्मल टैप पोजीशन में रहेगा
क्या करूंगा, इसमें सपोज तीनों टर्मिनल है आर वाई एंड बी, एच टी का टर्मिनल है, एंड एल टी का तीन टर्मिनल है आर वाई बी एन, आर वाई बी एन एन. न्यूट्रल इज ओपन, टैप चेंजर का टैप इन नॉर्मल कंडीशन. नाउ विल फिट 415 वोल्ट, 415 वोल्ट एसी इन एसी साइड. देन विल मेजर द एम्पियर इन दिस थ्री फेज बाय टंगस्टन. एसी का तीनों फेज का मैं करंट मेजर करूंगा बाय टंगस्टन. इफ द वैल्यू ऑफ द करंट इज कमिंग ऑल इन दिस थ्री फेज इक्वल, आर फेज द करंट, वाई फेज द करंट, बिकॉज तीनों फेज का करंट इज कम इक्वल, देन इज मैग्नेटिकली बैलेंस. मैग्नेटिक करंट टेस्ट में ये देखा जाता है मैग्नेटिकली बैलेंस, तीनों फेज का करंट विल बी सेम. दिस टेस्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक करंट टेस्ट.